हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो मीनिंग क्या है इसका। हमने लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने ये स्टडी किया था कि एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेट होता है। न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वेर टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड। अब यदि हम उसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के अलोंग, सपोज दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस एंड एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो क्या होगा ड्यू टू कूलम्ब फोर्स। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। अल्फा पार्टिकल पे यदि हम चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे टोटल चार्ज कितना होगा 2e, और न्यूक्लियस पे कितना होगा ze, वेयर ze क्या है एटॉमिक नंबर, एंड वी नो दैट एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो यदि ze प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज e, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हुआ ze, राइट। तो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स के कारण से जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है तो क्या होगा, इस अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी, दैट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इफ एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड न्यूक्लियस इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। किसी एक डिस्टेंस पर जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आने के बाद में दिस अल्फा पार्टिकल विल कम्स टू रेस्ट, राइट। तो उस केस में क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और उसके बाद में रिपल्सिव फोर्स के कारण से ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू करेगा, मतलब यहाँ से वापस आना शुरू करेगा। तो वो डिस्टेंस जहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू करता है उस डिस्टेंस का नाम क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो देखो डेफिनेशन क्या होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को, यदि हम डिफाइन करें देन वी कैन डिफाइन इट एज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से कम दूरी अप टू विच एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग टुवर्ड न्यूक्लियस कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब न्यूक्लियस से कम दूरी जहाँ तक कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ रेस्ट में आने से पहले मूव कर सकता है, राइट। मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक मूव करता है, यहाँ पर आके रेस्ट में आ गया, उसके बाद में अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर दिया, देन दिस डिस्टेंस, राइट, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा आर नॉट, एंड दिस आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो वट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग टुवर्ड न्यूक्लियस कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट एंड देन रिट्रेसिज इट्स पाथ, इस डिस्टेंस का नाम क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ड्राइव करते हैं। तो इस डिस्टेंस को निकालने से पहले रदरफोर्ड और उसके साथियों ने जो अजम्पशन किया, क्या क्या मान के चले, उन्होंने ये माना कि ये जो न्यूक्लियस है दिस न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। रिजल्ट क्या होगा इसका कि जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा देन देर इज नो चेंज इन, और ये वी कैन से दैट देर इज नो मोशन इन द न्यूक्लियस। ये नहीं कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ आया तो न्यूक्लियस इधर मूव करने लग जाए रिपल्सिव फोर्स के कारण से, ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियस काफ़ी हैवी है एज कम्पेयर टू दिस अल्फा पार्टिकल। सेकेंड अजम्पशन जो इन्होंने अज्यूम किया कि ये न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल बोथ आर पॉइंट ऑब्जेक्ट हैविंग नो डायमेंशंस। दे अज्यूम दैट दिस अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस आर पॉइंट चार्जेस विच हैव नो डायमेंशंस, और इस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो कोलिजन होगा दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब इन अजम्पशंस के बेस के ऊपर नाउ वी फाइंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो वी कैन से दैट
एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर हम ये कह देंगे सपोज हाफ एम वी स्क्वेयर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में. नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर नोट. इस न्यूक्लियस के कारण से आर नोट डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, राइट? देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, राइट? दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड और वी कैन से दैट वी नो दैट वर्क इज पोटेंशियल. वर्क का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, वर्क इज वी इंटू क्यू. दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर. सो यदि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें न्यूक्लियस के कारण से आर नोट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पहले हम क्या बात करते हैं, इस न्यूक्लियस का पोटेंशियल कितना होगा? न्यूक्लियस के कारण से आर नोट डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आएगा? वी नो दैट किसी भी चार्ज क्यू से यदि डिस्टेंस आर पे हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट? अब हमारे पास में इस केस में क्यू कितना है? क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? जेड ई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. तो इस न्यूक्लियस के कारण से पोटेंशियल कितना हुआ? पोटेंशियल इज इक्वल टू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट. दिस डिस्टेंस इज आर नोट, जिसको हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नाम दे रखा है. सो दिस इज द पोटेंशियल. अब इस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो क्या आ जाएगा? अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. सो वी कैन से दैट एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आया हमारे पास में? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल इज जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इट इज इक्वल टू 2E. हमें निकालना क्या है? आर नॉट. सो इस आर नॉट को ऊपर ले आते हैं, यहाँ से हमारे पास में आर नॉट आ जाएगा, इट इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस एज 2ZE स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इस हाफ एम वी स्क्वेयर को पूरे के बटे में ले आया था, जिसको हमने क्या नाम दे रखा था? काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो फाइनली हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए जो फार्मूला आ गया, आर नॉट इज इक्वल टू 2ZE स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ऊपर ले आते हैं. अब यदि हम इस फार्मूले को रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट के एक्चुअल डाटा के बेस के ऊपर लेके आते हैं, तो रदरफोर्ड के स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास में जो स्केटरिंग न्यूक्लियस था, दैट वाज गोल्ड. सो गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 79. और वहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको यदि हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे, तो देन इट इज़ इक्वल टू 1.2 × 10^-12 जूल. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड्स स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब देखो हमारे पास में ये सारे डाटा आ चुके हैं, यहाँ से यदि हम इन सभी के वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट के अनुसार व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? 2 × Z, जेड मीन्स 79 एंड ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और बेसिक चार्ज ई की हम बात कर रहे हैं. सो दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 और इसका क्या है? स्क्वेयर है अपॉन क्या आएगा?
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 अपॉन इसकी वैल्यू आज की ये रह गया हमारे पास में हाफ एम स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। सो इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में आर नोट की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर। और यदि इसको हम यू कन्वर्ट कर दें आर नोट को, दैट इज इक्वल टू 3.0 को 30 कर देते हैं और 10 रेज टू पावर माइनस 14 को कन्वर्ट कर दिया माइनस 15 में, राइट। एंड वी नो दैट 10 रेज टू पावर माइनस 15 इज 1 फर्मी। सो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया दैट इज इक्वल टू 30 फर्मी। अब यहाँ से रदरफोर्ड ने क्या कहा कि यदि हम न्यूक्लियस की साइज की बात करेंगे देन साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 15 या 1 फर्मी। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। ये जो 30 है इसने ये कहा कि जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टुवर्ड न्यूक्लियस देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस अल्फा पार्टिकल विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस बाउंड्री। हो सकता है कि इसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होकर आ जाए। तो यदि हम इस 30 को अवॉइड कर देते हैं तो हमारे पास में न्यूक्लियस की साइज के लिए एक आइडिया हो गया एंड इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। सो ये था कंसेप्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस और हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।